जोधपुर में एक लड़के ने मुझसे पूछा था, मेरे को नौकरी नहीं मिलती, मैं क्या करूं। मैंने कहा भैया चिंता मत कर, एक बात तो ये, बड़दादा को परिक्रमा कर, आश्रम जोधपुर में है। मैंने कहा वहां परिक्रमा कर और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर, धार्मिक किताबों की दुकान से मिल जाएगी 2 रुपए की। एक दो काम ये कर, तीसरा काम के रविवार या मंगलवार दो में से एक दिन नमक छोड़ दे। उसने किया। अगली बार हम जोधपुर गए, वो लड़का मिला, खुश होता हुआ बोले महीने 50,000 की नौकरी मुझे मिल चुकी है। अहमदाबाद में एक लड़का जवान आया भावनगर गुजरात से, मुझे उसने कहा मेरी 25,000 महीने की नौकरी थी, कोई आरोप लगा और छूट गई, मुझे छोड़नी पड़ी। फिर मुझे किसी ने बताया अमुक आदमी कुछ जानता है, वो हवन हवन कराता है, कुछ पूजा कराता है तो उससे सब अच्छा हो जाता है। तो मैं उसके पास भी गया, उसने मेरे से थोड़े थोड़े करके 25,000 रुपए ले लिए कि ये हवन कराना है, ये सामग्री लानी है, ये सामग्री लानी है, 25,000 मेरे ले लिए और काम कुछ हुआ नहीं। मैंने कहा तू पागल आदमी है, जवान आदमी होकर इन सब बातों में क्यों वो करता है। आश्रम इतना बढ़िया है, वड़दादा है, बापूजी ने शक्तिपात किया है, तू परिक्रमा कर 108, आदित्य हृदय और श्री आसारामायण का पाठ कर, न हो तो तू मुझे कहना। उसने आश्रम में 3 दिन यह किया। चौथे दिन जब वो जा रहा था मेरे पास खुश होता हुआ आया, बोले फोन आ गया है कि आकर ड्यूटी ज्वाइन कर लो। बिल्कुल मैं ये सच बोल रहा हूं, गंगा किनारे मिलावट करके नहीं बोल रहा हूं। आश्रम में ही 3 दिन में परिणाम आ गया। शिविर में आया था वो अहमदाबाद आश्रम में, जो चेटीचंड के पर्व पर शिविर होती है, कई साधकों को पता है, वो हर साल आते भी हैं। पिछले साल की बात है ये, इस साल चेटीचंड में वो फिर आया था भावनगर से और बोला अब मेरा प्रमोशन भी हो गया है। इस साल अहमदाबाद में जो शिविर थी 2-3 दिन की, वो मुझे मिला था। ईश्वर और गुरु हमारे तरफ उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखते। वो हमारे प्रति उपेक्षा से नहीं भरे, ये बात बिल्कुल पक्की है। ईश्वर हमारे प्रति उपेक्षा से भरे होते तो यहां हमको क्यों लाते, क्यों बिठाते इस तीर्थ में, और दर्शन हो भी गए तो कल चले जाते पूनम दर्शन करके, आज क्यों रुकते। पर आप रुके, मां गंगा चाहती है कि और तप करो गंगा किनारे। तो निराश न हो जाएं, निर्भर होने के ये उपाय हैं सरल, इसको करते हुए आनंद में रहें। घर में रहते हैं जो लोग आर्थिक कष्ट दूर करना चाहते हैं, आर्थिक परेशानियां मिटाना चाहते हैं, थोड़ी तपस्या करो, सप्ताह में एक दिन नमक छोड़ो, या रविवार या मंगलवार, कि हम इन 2 दिन में से एक दिन, यात्रा में आए हो न अनुकूल हो पाए तो भले खा लें, पर घर पे हो तो नियम पक्का रखें कि रविवार या मंगलवार 2 में से 1। हाँ, किसी को कोई तकलीफ ना हो तो न भी करे, कोई जबरदस्ती नहीं, सबको करना ही है। करो तो घाटा कुछ भी नहीं है, फायदा बहुत है। सप्ताह में एक दिन नमक नहीं खाएंगे तो मर थोड़ी जाएंगे या कमजोर थोड़ी हो जाएंगे। अच्छा है उल्टा है, नमक नहीं तो दूध रोटी खाएंगे, दूध सीधा अनुकूल न पड़े किसी को तो आश्रम की ओजस्वी चाय है, वो बना के पियो, रोटी के साथ खाओ, अच्छा लगेगा उल्टा। मैंने करके देखा है कई बार,